युवा पहलवानों ने अनुभवी पहलवान बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक और विनेश फोगाट के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। उन पर कुश्ती से जुड़ी सभी गतिविधियों को रोकने और खेल में आने वाले बच्चों का भविष्य बर्बाद करने का आरोप लगाया। सैकड़ों युवा पहलवान दिल्ली में एकत्रित हुए और दिग्गज पहलवानों के खिलाफ नारे लगाए गए। इन्हीं सब चीजों पर प्रदर्शनकारी पहलवानों से बात की हमारे संवाददाता ओमशील ने, और पहलवानों ने क्या कुछ कहा वो आपको सुनवाते हैं। अभी हम मौजूद हैं दिल्ली के जंतर मंतर पे, और आज से कुछ दिन पहले तक कुछ पहलवानों का प्रोटेस्ट चल रहा था, जिसमें कि साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया से लेकर तमाम जो पहलवान थे वो वहां पर मौजूद थे, और जो उस समय के वर्तमान जो WFI अध्यक्ष से उन पर आरोप लगा रहे थे कि वो यौन शोषण करते और तमाम तरीके के उन पर आरोप लग रहे थे। पर अभी कुछ और पहलवान यहाँ पर प्रोटेस्ट करने के लिए आए हैं यही जंतर मंतर पर वो ये पहलवान उन पहलवानों के खिलाफ प्रदर्शन करने आए हैं। क्या कुछ मांगे? कोई लड़ाई नहीं है जी। हमारी पहलवानों के खिलाफ कोई लड़ाई ही नहीं है। इनका ये तीनों का चेहरे पर कट क्यों है? एक तो इनकी वजह से हमारे कॉम्पिटिशन नहीं हो रहे हैं। जो रेसलिंग फेडरेशन इंडिया की वो थी अध्यक्ष, वो नहीं बन पा रहे हैं। अभी जो बना गया था उसको भी अभी हटा दिया गया खेल मंत्रालय ने। तो इन्होंने जो 11 महीने से प्रदर्शन कर रखा है उस पे बच्चों की प्रोग्रेस पे और सब पे फर्क पड़ा बहुत ज्यादा। एक तो कोरोना में वो नहीं हुए बिल्कुल भी, फिर एक साल के बाद अभी इन्होंने प्रदर्शन कर दिया। अब आरोप भी साबित नहीं हुए इन पे, जो आरोप इन्होंने लगाए थे वो भी तो साबित नहीं हुए। आरोप तो खैर अभी साबित नहीं हुए, पर साक्षी मलिक और जितने भी ये तीनों हैं जो अपना इनको पुरस्कार मिला है वो वापस करने के लिए अब आगे आ रहे हैं और तरह तरह के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तमाम दावे कर रहे हैं। और WFI का अभी चुनाव हुआ उसको भी भंग करा दिया गया, किसका इसमें साजिश लगता है? वो तो एक पब्लिक स्टंट था, उसका कोई ज्यादा वो मैटर नहीं है। इन्होंने अपना पदम सिर दिया था, वो कोई पब्लिक स्टंट है। अगर वो उसकी सुविधा रखता है सामने कि मैं इनको नहीं खुलूं, तो हम ये मानते हैं कि हाँ इन्होंने वो कुछ अच्छा किया। और रही बात इलेक्शन की, संजय सिंह जी बने थे, उन्होंने आते ही अभी 28 तारीख को अंडर 15 का और जूनियर का नेशनल होना था, जो कि वो खेल मंत्रालय ने रद्द कर दिया गया, वो कमेटी रद्द कर दी गई है। अब ये नहीं पता कि कमी 2 महीने बाद कमेटी बनेगी, 6 महीने बाद या 1 साल बाद, तब देख छोटे छोटे बच्चे क्या करेंगे, हम क्या करते रहेंगे, क्योंकि कॉम्पिटिशन नहीं होगा तो आगे कैसे बढ़ेंगे। अब इनमें से पढ़ाई तो कोई कर ही नहीं रहा है, ना कोई इस लायक है कि कोई पढ़ाई कर सके। तो सब अपना पूरा जीवन खेलों पर ला रखा है, इसलिए अगर इन्होंने जो वो लगाए थे वे जूसन जी पे वो साबित नहीं हो रहे, तो फिर इसका कमेटी बनने के बाद भी ये प्रदर्शन कर रहे हैं कि नहीं ऐसी कमेटी वो नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। एक तरफा उनकी जीत हुई है। अगर हम देखें जिस तरीके से इनका बर्ताव पहले से रहा है, चाहे साक्षी मलिक हो या बजरंग पुनिया हो, अगर इनसे अभी अभी के यहाँ पर जो प्रदर्शन हो रहा है उन पर सवाल किया जाएगा, तो कहीं ना कहीं वो ये भी बोलेंगे कि ये पॉलिटिकल स्टंट है। तो क्या इस प्रोटेस्ट का कोई राजनीतिक कनेक्शन है? राजनीतिक कनेक्शन तो हमारे ही नहीं, क्योंकि ना हम कोई राजनीतिक है ना हम पॉलिटिशियंस। ये बच्चे कोई भी पॉलिटिशियन नहीं है, ये सब खिलाड़ी है, और खिलाड़ी बस अपने कॉम्पिटिशन के लिए मांग के लिए इधर आए हैं। क्योंकि एक साल से को जो हमें स्पर्धा नहीं मिल रही, कॉम्पिटिशन नहीं मिल रहा है, अंडर 15, अंडर 17, जूनियर, सब जूनियर, अंडर 23, एक मिनी, तो उसमें बच्चों के प्रोग्रेस पर बहुत ज़्यादा असर हो रहा है। क्या मांग है आप लोगों का अभी बच्चों के साथ? हमारा ये मांग है कि जल्द से जल्द जो है WFI की कमेटी बननी चाहिए, और जो जितने भी कॉम्पिटिशन है अंडर 17, अंडर 15, जूनियर 23 और सीनियर, सभी को होना चाहिए ताकि बच्चों के प्रोग्रेस को ज्यादा फर्क ना पड़े। बस तो ये थे जो पहलवानों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि ये जितने भी पहलवान हैं वो जो ये प्रोटेस्ट पहले कर रहे थे उनके वजह से अब हमारे टूर्नामेंट नहीं हो रहे हैं। अंडर 17, अंडर 16 में जो पहलवान खेलते थे उनका टूर्नामेंट नहीं हो रहा है। WFI की का जो चुनाव हुआ था उसको भंग कर दिया गया। WFI की कमेटी बननी है, अब कितने दिन में बनेगी, तब तक तो वो टूर्नामेंट नहीं होगा। आखिर ये अब बच्चे करे तो करे क्या, तमाम तरीके के सवाल खड़े किए जा रहे हैं, चाहे वो साक्षी मलिक हो, बजरंग पुनिया हो, उन लोगों का साफ तौर पर आरोप है कि जो जो ये आरोप बृजभूषण शरण सिंह पर लगाए हैं वो निराधार साबित हुए हैं, वो साबित नहीं कर पाए हैं। तो कहीं ना कहीं ये बड़ा सवाल बन जाता है साक्षी मलिक के लिए भी, और जो WFI को भंग किया गया है उसके लिए भी, कि कब वो गठित होगा और टूर्नामेंट फिर से कराए जाएंगे। कैमरा पर्सन दीपक के साथ ओमशील, न्यूज़ वॉच इंडिया, दिल्ली।